तो ये Redmi 5 मोबाइल है, देखिए इस मोबाइल की कंडीशन, ये देखिए देखिए इसमें स्क्रीन भी नहीं है, इसका पूरा पार्ट जो है अलग तलग हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों ये हमारे पास पुराना फोल्डर है, हालांकि ये फोल्डर खराब है लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले और लाइट आती है इसमें। तो इस फोल्डर को हम लगा के चेक करते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों मोबाइल वाइब्रेट हो गया और देखिए स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, ना लाइट दिख रहा है ना ग्राफिक्स दिख रहा है, हालांकि ये फोल्डर ओके है। तो चलिए दोस्तों इसे खोल के चेक करते हैं कहां प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों यहां पर जो लाइट का सेक्शन है ये देखिए पूरी तरीके से जला हुआ है, ये देखिए ये पूरा जो है ये जल गया है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पार्ट खराब है हम वो मल्टीमीटर से चेक करेंगे। दोस्तों ये एनालॉग मल्टीमीटर है, इसको X1 या X10 पे सेट कर लेंगे। दोस्तों एक तो इसका डायोड शॉर्ट है और ये देखिए इसका जो कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट है। तो दोस्तों हमें डायोड कॉयल और ये कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट है ये आप किसी भी एंड्रॉइड मदरबोर्ड में से निकाल के लगा सकते हैं। ये तीनों कंपोनेंट आपको लाइट के सेक्शन में मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों डायोड बूस्ट कॉयल और कैपेसिटर तीनों कंपोनेंट जो है इंस्टॉल हो गए। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर डिस्प्ले ग्राफिक्स आ गए और देखिए टच भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमें सिर्फ इसमें अब फोल्डर डालना है। तो इसमें दोस्तों लाइट का सेक्शन जो है वो शॉर्ट हो गया था, इसी वजह से जो है फोन पे डिस्प्ले लाइट और डिस्प्ले नहीं आ रही थी।